गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज टॉपिक लेसन एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक. एक्सप्लेन करना है कि कुछ फाइबर्स को अपन क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. क्यों कहते हैं, इसका आंसर मैंने आपको नोट्स में राइट कराया था. सिंथेटिक फाइबर करके टॉपिक अपन स्टडी कर रहे थे. नोट्स जब अपन सिंथेटिक फाइबर स्टार्ट करा था तो उसकी आपको फर्स्ट थ्री लाइंस राइट करनी है. द फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमंस फ्रॉम डिफरेंट केमिकल इन द इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. तो ये आपको राइट करना है इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि मैंने आपको नोट्स में लेसन स्टार्टिंग में करवाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन, मार्क करेक्ट आंसर. राइट करेक्ट आंसर आपको राइट करना है. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का. फर्स्ट, रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज. रेयन एक सिंथेटिक फाइबर है, वो डिफरेंट क्यों है. फर्स्ट ऑप्शन है, इट हैज ए सिल्क लाइक अपीरियंस. ये सिल्क जैसा दिखता है, ये नहीं होगा. इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम वुड पल्प, क्योंकि वुड पल्प से जो कि एक नेचुरल मटेरियल है, तो नेचुरल मटेरियल और केमिकल्स दोनों से ये बनता है, तो इसको प्योरली सिंथेटिक फाइबर नहीं कह सकते अपन. ठीक है, इसलिए ये सिंथेटिक फाइबर से थोड़ा डिफर है, क्योंकि इसमें नेचुरल मटेरियल भी यूज होता है केमिकल के साथ. तो बी ऑप्शन हो जाएगा, इट्स फाइबर कैन बी वूवन लाइक दोज ए ऑफ नेचुरल फाइबर. तो ये भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन होगा, इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम वुड पल्प. नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, फिलअप्स फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्राइट वर्ड्स. अप्रोप्राइट वर्ड, सूटेबल वर्ड आपको फिल करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैनमेड फाइबर. सिंथेटिक फाइबर को आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं, मैनमेड फाइबर भी कहते हैं. तो इसमें फर्स्ट में आर्टिफिशियल आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन में मैनमेड आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड. सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं सिंथेसाइज किए जाते हैं रॉ मटेरियल से, उनको क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स. क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है. तो इसमें पेट्रोकेमिकल्स राइट कर लीजिएगा. नेक्स्ट है सी ऑप्शन, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर. जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो एक प्लास्टिक का क्या है, पॉलीमर ही है. इसमें पॉलीमर फीड कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गिव एग्जांपल्स विच इंडिकेट्स दैट नायलोन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ये भी आपको मैंने नोट्स में राइट कराया था, नायलोन फाइबर की प्रॉपर्टी, जिससे अपन ये कह सकते हैं कि नायलोन फाइबर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है. तो इसमें मैंने आपको जब नायलोन वाला टॉपिक करवाया था, नायलोन फाइबर, तो इसमें जो यूजेज राइट कराए थे मैंने, देखिए जो यूजेज राइट कराए थे, देखिए नायलॉन फाइबर से पैराशूट बनते हैं, रॉक क्लाइंबिंग रॉक्स बनती है, और भी कई टाइप की चीज़ें इससे बनती है, जो कि प्रूव करती है कि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है. देखिए इसमें फर्स्ट आपको राइट कर लेना है फर्स्ट पॉइंट, नायलॉन फाइबर इज मेकिंग पैराशूट्स एंड रॉक्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. ये ऑप्शन भी ये प्रूव करता है कि स्ट्रॉन्ग फाइबर होने की वजह से ही इसका यूज पैराशूट फॉर्मेशन में और रॉक्स फॉर्मेशन में किया जाता है. नेक्स्ट है, मैनी आइटम्स यूज्ड इन आवर डेली लाइफ आर मेड फ्रॉम नायलॉन, लाइक सॉक्स, टूथब्रश, टेंट, स्लीपिंग बैग, कर्टेन, स्ट्रिंग्स ऑफ टेनिस रैकेट एक्सेट्रा, मेकिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ मशीन, कॉम, सोक्स एक्सेट्रा. तो ये थ्री पॉइंट्स आपको इसमें राइट कर देना है, जिससे प्रूव हो रहा है कि नायलॉन जो फाइबर है, जो कि सिंथेटिक फाइबर है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइबर है. ये थ्री पॉइंट्स इस आंसर में आप राइट कर दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड. आपको एक्सप्लेन करना है कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के जो पैकेजिंग में जो फूड को फेवर में है, नहीं है, प्लास्टिक में आपको रखना चाहिए तो क्यों. तो इसका आंसर आप राइट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का. फर्स्ट है, द प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ द फूड स्टोर इन देम.
प्लास्टिक क्या करता है, फूड के साथ रिएक्शन नहीं करता जिसमें वो स्टोर किया जाता है, तो इसलिए भी ये बेस्ट है प्लास्टिक। द प्लास्टिक आर लाइट वेट एंड आर स्ट्रॉन्ग। प्लास्टिक लाइट वेट होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग है, इसमें काफ़ी सारा क्या कर सकते हैं, फूड मटेरियल को स्टोर किया जा सकता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें, लिक्विड को भी स्टोर किया जा सकता है। दे आर ईजी टू हैंडल एंड सेफ। इसको हैंडल करना ईजी है और साथ में सेफ भी है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर में राइट कर देनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक के बिटवीन डिफरेंस राइट करना है, वो पॉइंट्स में राइट करना, टेबल फॉर्मेशन ये मैंने राइट कर दी है, आप इसमें राइट कर लीजिएगा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में फर्स्ट पॉइंट राइट कर देना है आपको, दीज प्लास्टिक सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड ईजली। प्लास्टिक कैसे सॉफ्ट होते हैं, हीट देते ही इसको मोल्ड किया जा सकता है, रीमोल्डेड या बेंड आ जाता है इनमें, इनको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। थर्मोसेटिंग में दीज प्लास्टिक व्हेन मोल्डेड वंस कांट बी सॉफ्टन अगेन। इन प्लास्टिक को एक बार किसी भी ऑब्जेक्ट में मोल्ड करने के बाद में उसको दोबारा रीमोल्ड करना पॉसिबल नहीं है, उसको रीमोल्ड नहीं किया जा सकता और हीट पे ये सॉफ्ट भी नहीं होता है। सेकेंड है दे डू नॉट लॉस देयर प्लास्टिसिटी। ये अपनी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी को क्या नहीं करते, लॉस नहीं करते, और इसमें राइट कर लीजिएगा दे लूज देयर प्लास्टिसिटी, और ये अपनी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी को लूज करते हैं। जो प्लास्टिसिटी फॉर्म है वो प्लास्टिक की क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल्स को ईजिली मोल्ड किया जा सकता है इन वेरियस फॉर्म, तो ये अपनी इस प्रॉपर्टी को लूज़ नहीं करते, ये क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं। एग्जांपल इसमें पॉलीथीन, पीवीसी एक्सेट्रा, और इसमें थर्मोसेटिंग में राइट कर लीजिएगा आप बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ये प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।